जय हिंद, वंदे मातरम। मैं बीके सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने योर वॉइस यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज जो जगह है बहुत ही खास है। अगर आप किसी तरह का ट्रेनिंग कराना चाहते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट, तो ये जगह बिल्कुल उपयुक्त है। और ये एक पहला जगह है जहां की प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर है, जहां की प्राइवेट से लेकर गवर्नमेंट दोनों तरह की ट्रेनिंग यहां पे कराई जाती है। और ये बिहार का मात्र पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और प्राइवेट इंस्टीट्यूट जहां की सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग होती है, और जिसका नाम है द ईगल व्यू वन स्टॉप इवेंट सेंटर। ये ट्रेनिंग सेंटर है जहां पे ट्रेनिंग कराई जाती है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की। यहां अलग तरह का कोई इवेंट्स नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की ट्रेनिंग होती है। यहाँ शादी ब्याह इस तरह के कोई कार्यक्रम नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग। तो अगर आप अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग कराना चाहते हैं तो ये जगह बिल्कुल उपयुक्त है। यहाँ पे 100 लोगों की ट्रेनिंग एक साथ कराई जा सकती है। यहाँ पे रहने की सुविधा है, यहाँ पे खाने की सुविधा है, यहाँ पे जनरली जो चीज़ आप चाहते हैं वो इजी वे में मिल जाएगा। ट्रेनिंग से रिलेटेड यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब हम चलते हैं अंदर और अंदर बात करेंगे जो यहाँ के मैनेजर हैं, उनसे सारा डिटेल लेंगे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, और आपको सब कुछ हम दिखाएंगे। अभी देखिए, कुछ चीज़ें अनऑर्गेनाइज वे में रखा हुआ है क्योंकि ये कोविड के बाद अभी ये धीरे धीरे खुल रहा है इंस्टीट्यूट। पिछले 1-1.5 साल से कोविड की वजह से यहाँ पे खास तौर से ट्रेनिंग नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे बेनिफिट सबसे बड़ा क्या है कि किसी होटल्स को अगर आप बुक करते हैं तो वहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, वहाँ पे अलग पार्टीज होती हैं, वहाँ पे वेडिंग अरेंजमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग होता है। तो चलिए अब हम आपको मिलवाते हैं भूषण जी से, और भूषण जी हैं यहाँ के मैनेजर। पूरा जो ईगल व्यू है इसको एक एक चीज हम आपको दिखाएंगे। ये चाहता हूँ कि पटना में या पूरे बिहार में अगर कोई आए तो आपके इस ट्रेनिंग सेंटर में आए तो यहाँ पे क्या क्या उसको मिलने वाला है, और कैसे कैसे यहाँ पे ट्रेनिंग आप लोग प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि कोई लोग आते हैं तो कैसे इवेंट को मैनेज करते हैं, वो मेरे को पूरा डिटेल्स में बताइए। ठीक है सर, पूरा मैं दिखवा देता हूँ और बताता भी हूँ। चलिए तो दोस्तों, चलिए अंदर और हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या होता है। यहाँ है यहाँ इनका रिसेप्शन, रिसेप्शन के बगल में है ऑफिस, उसके बाद हम चलते हैं आगे। अभी देखते हैं यहाँ पे किस चीज़ की ट्रेनिंग हो रही है। तो आते हैं ऑफिस में, और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे सारा सामान अभी थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज वे में रखा हुआ है क्योंकि कोविड के बाद धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा है। तो देखिए, 20/9/2021 से 23/9/2021 तक का जो ट्रेनिंग है, बंधन कौन नगर का ट्रेनिंग है। 27% इस इवेंट में आए हुए हैं, जो कि होगा 20 से 23 तक। बंधन कौन एक बंधन बैंक की सिस्टर कंसर्न कंपनी है, तो उसी का ट्रेनिंग यहाँ पे चल रहा है। इस तरह से बहुत सी ट्रेनिंग्स यहाँ पे करवाई जाती है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की हो चाहे प्राइवेट सेक्टर की। तो अब पहले हम आपको सारा कुछ अरेंजमेंट दिखा देते हैं यहाँ पे क्या क्या ट्रेनिंग के लिए फैसिलिटीज़ हैं, और उसके बाद बात करेंगे कि किस किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पे चल रही है। तो अब हम आ गए हैं अंदर। अंदर आने के बाद यहाँ रिफ्रेशमेंट के लिए कैरम बोर्ड और काफ़ी चीज़ें लगी हुई हैं। आगे है यहाँ पे स्टेशनरी रूम। तो स्टेशनरी रूम में यहाँ पे क्या क्या मिल जाता है? ये मीटिंग से रिलेटेड जितना सामान होता है, चार्ट पेपर, मार्कर। अच्छा, तो स्टेशनरी रूम में हम अगर पहुंच चुके हैं तो यहाँ पे अगर आप आ जाते हैं और कोई सामान आपके पास नहीं है जो ट्रेनिंग से रिलेटेड, तो यहाँ पे सारा कुछ अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको फेविस्टिक है, यहाँ पे स्केच पेन है, यहाँ पे मार्कर है, यहाँ पे बैटरीज हैं, और साबुन है, बिस्किट्स है। यहाँ पे आप बिल्कुल इजी वे में सारा काम कर सकते हैं। तो यहाँ से चलने के बाद चलेंगे अगली जगह। अगला है देखिए, दाना पानी। अब बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके हैं। दाना पानी मतलब खाने का अरेंजमेंट यहाँ पे है। ये एक प्रकार का बहुत ही लग्जूरियस डाइनिंग हॉल है जहाँ पे 45 से 50 लोग एक टाइम में खाना खा सकते हैं। यहाँ पे इतने लोग खाना खा सकते हैं, 50 लोग खाना एक साथ यहाँ पे खा सकते हैं। जस्ट बगल में है इनका किचन। और चलते हैं यहाँ से अब आगे की तरफ। आगे और क्या क्या है? अब देखिए, यहाँ पे है जो खाना है सर्व करने के लिए, यहाँ पे सारा कुछ मेनू रखा हुआ है, और मेनू के लिए मेनू बोर्ड भी लगा हुआ है। जो मेनू बोर्ड है देखिए वहाँ पे लगा हुआ है कि आज का क्या क्या खाना है। सारा कुछ अरेंजमेंट बिल्कुल बेहतरीन तरीके से किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ है, वहाँ पे क्या है उसको हम जो है। यहाँ पे साइलेंट जनरेटर है जिससे कि कोई भी ट्रेनर को किसी तरह की कोई समस्याएं नहीं आएगी, और यहाँ आके अपना ओवरव्यू यहाँ से ले सकता है। जब कूल माइंड को करने के लिए यहाँ पे आके वो
वो थोड़ा सा अपना टाइम पास कर सकता है। देखिए जनरेटर जो है साइलेंट जनरेटर है, जिसमें कि ट्रेनिंग के ऊपर कोई किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलते हैं, वहाँ पे क्या है आगे की चीज आगे दिखाते हैं। अब दाना पानी यानी कि यहाँ का डाइनिंग हॉल दिखा चुके हैं आपको, अब चलते हैं अगले फ्लोर पे। टोटल यहाँ पे कितने फ्लोर हैं? 5 फ्लोर है, 5 फ्लोर तक है यहाँ पे। जी तो 5 फ्लोर पे जाने के लिए यहाँ पे केवल सीढ़ी से ही जा सकते हैं? सीढ़ी नहीं, अब लिफ्ट का काम चल रहा है, बहुत जल्दी ही तैयार हो जाएगा ये। तो लिफ्ट का काम चल रहा है, इसमें लिफ्ट बन रहा है, तो मतलब 2-4 महीने में लिफ्ट रेडी हो जाएगा, तो जो एस्पिरेंट यहाँ पे आएंगे उनको दिक्कत नहीं होगा। मतलब 3-4 महीने में इनका कहना है कि लिफ्ट का काम चल रहा है, ये रेडी हो जाएगा, तो एस्पिरेंट इजी वे में लिफ्ट से जा सकते हैं। अभी यहाँ पे टोटल 5 फ्लोर है, तो चलते हैं अब फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ क्या क्या है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो चलिए गाइस, चलिए मेरे साथ। तो गाइस अब हम पहुँच चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और जो है गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है उसकी जानकारी मैनेजर साहब से अंदर चलने के बाद लेते हैं कि गैलेक्सी में क्या होता है। तो मुझे लगता है देखने के साथ ये कोई कॉन्फ्रेंस हॉल है, जहाँ पे कि कॉन्फ्रेंस किया जा सकता है। तो अब हम पहुँच गए हैं इस कॉन्फ्रेंस हॉल में, अब हम मैनेजर साहब से पूछते हैं। मैनेजर साहब ये क्या है और यहाँ पे क्या क्या अरेंजमेंट होता है? देखिए इसमें मीटिंग इसी में होता है, कॉन्फ्रेंस हॉल। अब प्रोजेक्टर, कॉर्डलेस माइक, साउंड सिस्टम बिल्कुल एकदम इसमें फुल्ली एयर कंडीशन। हाँ, प्रोजेक्टर, हाँ, नॉर्मल व्हाइट बोर्ड और कॉर्डलेस माइक, साउंड सिस्टम सारा कुछ एक जगह पे अवेलेबल है यहाँ पर। और ये जो भाई साहब हैं, ये इस पूरे हॉल को मैनेजमेंट करते हैं, यही मतलब हर रूम के लिए, हर हॉल के लिए अलग अलग लोग यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत, कितना शानदार ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, और सारा सुविधाओं के साथ है यहाँ पे। अब चलते हैं अगले डेस्टिनेशन पे, अगला जगह क्या है चलिए दिखाते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत है, बिल्कुल साउंड सिस्टम और सब कुछ लैस, मतलब फुल्ली 100% एयर कंडीशनर है यहाँ पर। और ये जस्ट लाइक 5-स्टार होटल, उस टाइप का सारा व्यवस्था यहाँ पे की गई है। ट्रेनिंग के लिए बहुत ही सुटेबल जगह है यहाँ पे, इससे अच्छी जगह आज की डेट में पूरे बिहार में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के लिए मुझे नहीं लगता है कि यहाँ कहीं देखने को मिलने वाला है। चलिए गाइस आगे चलते हैं, आगे है रीडिंग रूम में। यहाँ पे रीडिंग से रिलेटेड सारा कुछ मटेरियल अवेलेबल है, और बिल्कुल साइलेंट आप बैठ के यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सा है वहाँ पे चलते हैं, उसको दिखाते हैं। तो अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। तो ये है यहाँ पे मतलब नॉर्मल स्टडी के लिए, या यहाँ पे बैठ के आप टीवी भी देख सकते हैं। ये जो है बहुत अद्भुत बनाया गया है, बहुत बढ़िया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोगों का यहाँ पे है स्लीपिंग का अरेंजमेंट किया गया है, और यहाँ भी फुल्ली एसी है, पंखे हैं, सब कुछ लगा हुआ है। तो आगे चलते हैं अगली जगह कौन सी है उसमें। अब हम पहुँचने वाले हैं इसी तरह के फिर एक नेस्ट में, वो क्या है वहाँ पे क्या है उस अरेंजमेंट को भी देखते हैं। तो ये है कम्युनिटी हॉल या कम्युनिटी रूम। तो अब हम आ गए हैं इस कम्युनिटी रूम में। कम्युनिटी रूम में देखिए क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है, बिल्कुल भी बहुत ही बेहतरीन और सूटेबल तरीके से ऐसे बेड लगे हुए हैं। ऊपर आपको सेल्फ दिया हुआ है जिसमें आप सब कुछ अपना रख सकते हैं, और बिल्कुल इजी वे में आप यहाँ पे ट्रेनिंग कर सकते हैं। शीशा, लाइट, पंखा, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, एसी भी इसके अंदर मौजूद है, तो यहाँ पे आपको किसी तरह की दिक्कत आने वाली नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट जगह क्या है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे हमने आपको दिखाया था कम्युनिटी हॉल, जहाँ की कहीं 8 बेड और कहीं पे 10 बेड था। अब ये हम पहुँच गए हैं यहाँ पे वीआईपी रूम्स हैं, और वीआईपी रूम्स में क्या क्या हैं वो कैसे अलग है उनसे हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये भी शेयरिंग है, यहाँ पे 2 का शेयरिंग है, 3 का शेयरिंग है, मैक्सिमम 4 का शेयरिंग है, जिसको हम वीआईपी रूम कह सकते हैं। वीआईपी रूम की तरह है यहाँ पे सारा कुछ, सिंगल और डबल बेड है, जहाँ पे इजी वे में सब कुछ यहाँ पे भी अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। टीवी भी लगा हुआ है, फोन वगैरह, मतलब सारी फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है। यह है उसका टॉयलेट, और सबके लिए सेपरेट टॉयलेट बना हुआ है। तो चलते हैं अब आगे कौन सा डेस्टिनेशन है उसके बारे में पता करते हैं। और उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, टोटल यहाँ पे 12 रूम्स हैं, और 12 रूम में तकरीबन 20 बेड्स हैं। जगह को क्या क्या है और कितने रूम्स हैं, बहुत ही लग्जूरियस है बिल्कुल ये वीआईपी रूम्स।
और VIP एरिया है थर्ड फ्लोर पे, और थर्ड फ्लोर पे मैक्सिमम NGOs की ट्रेनिंग होती है, और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन भी हैं जो चाहते हैं कि उनका ट्रेनिंग बैठ के चले, तो बैठ के ट्रेनिंग करने वालों के लिए बिल्कुल गद्दा, बिल्कुल नीचे दरी बिछा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, सब कुछ यहाँ पे उसके लिए अवेलेबल है। इसका नाम है अर्थ, अर्थ के अंदर सारा चीज़ है, और वॉशिंग रूम और सारा पॉइंट यहाँ पे भी अवेलेबल है। अर्थ देखने के बाद इसी फ्लोर के ऊपर और भी बहुत कुछ है, जैसे कि यहाँ पे देखिए सामने आपको दिखेगा 8 रूम, 8 सेपरेट रूम्स यहाँ पर भी है, तो रहने की व्यवस्था में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आगे सारे रूम्स हैं, जैसा रूम मैंने आपको नीचे दिखाया है सेम उसी तरह के रूम, यानी जो सेकंड फ्लोर पे मैंने दिखाया उसी तरह के रूम यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट फ्लोर पे और देखते हैं अगले फ्लोर पे क्या है। तो चलिए गाइस चलते हैं फोर्थ फ्लोर पे और फोर्थ फ्लोर पे देखते हैं क्या है। तो गाइस थर्ड फ्लोर के बाद हम पहुंच चुके हैं फोर्थ फ्लोर पे। फोर्थ फ्लोर पे क्या है, सेम वही चीज, उसी तरीके का कॉन्फ्रेंस हॉल जैसा हमने नीचे देखा था उसी तरह की व्यवस्था इसमें भी है, और यहाँ पे आप ट्रेनिंग का एक और जगह, यानी कि 2 पार्टियों का ट्रेनिंग इजी वे में हो सकता है, और बैठ के करने वालों के लिए भी ट्रेनिंग के लिए अर्थ बनाया हुआ गया है, उस रूम को बनाया गया। तो यहाँ पे भी सेम वही फैसिलिटी है जो नीचे था, तो यानी अलग अलग शेड्यूल में अलग अलग टाइम में यहाँ पे 3 हॉल है जहाँ पे अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग कराई जा सकती है। यहाँ पे भी वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है जो वहाँ पे है, एक समय में 3 जगह ट्रेनिंग आसानी से कराई जा सकती है। तो चलते हैं आगे इसी फ्लोर पे, और क्या है उसके बारे में हम पता करते हैं। यहाँ पर भी एक कंबाइंड रूम्स है जहाँ के अंदर आप आसानी से सोने की व्यवस्था सब कुछ दी हुई है, और आसानी से यहाँ पे ट्रेनिंग करने के बाद आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं। तो चलिए गाइस अगला डेस्टिनेशन। अब गाइस ट्रेनिंग करने के बाद आप यहाँ के बिल्कुल नज़ारा देख सकते हैं, क्या नज़ारा है। यहाँ पे आके आप पूरा पटना बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं, कितना खूबसूरत पटना, बिल्कुल ग्रीनलैंड की तरह दिखता है ये बिल्कुल एरिया। और सबसे इसका खासियत मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ही नज़दीक में है यहाँ से वाटर पार्क। देखिए वाटर पार्क है, और बहुत ही फेमस वाटर पार्क है, इसका नाम है फंटूसिया वाटर पार्क, जो कि परसा संपतचक रोड पे है। तो वहाँ भी आप जाके उस वाटर पार्क का एंजॉय भी ले सकते हैं, और बाकी एरिया बहुत ही खुला खुला है, बहुत ही ट्रेनिंग के लिए बहुत ही उपयुक्त एंड सुटेबल जगह है। यहाँ पे अगर ट्रेनिंग करते हैं तो आप बिल्कुल ट्रेनिंग को ट्रेनिंग के तौर पे कर सकते हैं, और यहाँ आपका कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल 100% होगा। और इसके बाद अब हम चलते हैं, कुछ है कि ये कंप्यूटर लैब है, और उस लैब में पूरी जानकारी लेते हैं भूषण जी से। भूषण जी मैनेजर हैं यहाँ के। ये क्या है ये रूम? अकाउंटेंट का रूम है, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होती है उसके लिए ये रूम बनाया गया है। और अंदर यहाँ पे भी कंप्यूटर लगा हुआ है। मैनेजर साहब से पूछते हैं कि इस रूम में क्या होता है, इसमें क्या होता है? टेक्निकल, टेक्निकली मतलब क्या? सारा कंप्यूटर यहाँ से ऑपरेट होता है, ठीक है। आगे इसमें क्या होता है, मतलब? अच्छा, ये डिपार्टमेंट का ही एक यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम लगाया जो डिपार्टमेंट को देखने के लिए। और देखिए यहाँ पे ये कंप्यूटर, भूषण जी मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये नया कंप्यूटर का नया अभी मतलब शुरू किए हुए हैं क्या? इसी से रिलेटेड है। अच्छा। जैसे जो किसी को ट्रेनिंग देना कंप्यूटर का भी, कंप्यूटर का ट्रेनिंग भी यहाँ पे हो जाता है, कंप्यूटर रिलेटेड ट्रेनिंग भी मिलता है। हाँ बिल्कुल, यहाँ ऐसे ही। कितने कंप्यूटर है टोटल आपके पास? 30 लगा इसमें से। 30? हाँ। ये नहीं, 35। हाँ। 35 टोटल कंप्यूटर है, 30 यहाँ पे लगा हुआ है। हाँ। तो 30 लोगों की एक साथ कंप्यूटर पे ट्रेनिंग भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल। तो अभी कुछ चेयर वेयर उल्टे सुलटे रखे हैं, मतलब ये नया सेटअप हुआ है क्या? बिल्कुल नया हुआ, मतलब ये एक नया। दोस्तों मैनेजर साहब ने हमको सब कुछ दिखा दिया, और ईगल व्यू में आने के बाद अगर ऑनर से नहीं मिले तो कोई फायदा नहीं है। क्या सोच थी, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, और एक कैसे अलग सा सिस्टम बनाया, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में ऐसा ट्रेनिंग सेंटर पूरे बिहार में कहीं नहीं है, तो उनसे ही हम जानकारी देते हैं कि कैसे आपने ओपन किया, वो सोच कहाँ से डेवलप हुई? इसमें हम लोग सोच कर जो डेवलप होने का मेन रीजन था कि यहाँ पर एक ट्रेनिंग सेंटर कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए हम लोग कुछ मिलकर इसी सेक्टर से जुड़े हुए थे, इसलिए मिलकर हमने एक नया चीज़ किया जो कि हर चीज़ उसको एक ही कैंपस में उसको फैसिलिटी मिल जाए। अब वो
आज के डेट में पटना के पहला ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया। ये पटना का पहला ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ की स्पेशली ट्रेनिंग के लिए है। ये इवेंट मैनेजमेंट सेंटर है, यहाँ पे सारे इवेंट मैनेज किए जाते हैं, सारे इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और एक सबसे अद्भुत यहाँ पे ये चीज़ है कि यहाँ किसी तरह की शादी ब्याह की पार्टी, किसी वेडिंग अरेंजमेंट को, किसी सेरेमनी को अरेंजमेंट नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग से रिलेटेड, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, उसके लिए ये स्पेशल उसी चीज़ के लिए है। तो पूरे बिहार में और स्पेशली पटना के लिए बिल्कुल स्पेशल यूनिक चीज़ है यहाँ पे। तो अगर आप किसी संस्था से हैं, किसी इंस्टीट्यूशन से हैं, अपने लोगों का फोकस तरीके से ट्रेनिंग कराना चाहते हैं, तो इससे बेस्ट ऑप्शन आपको पूरे बिहार में नहीं मिलेगा। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप अपने एम्प्लॉई की अच्छी ट्रेनिंग कराना चाहते हैं तो द ईगल व्यू ट्रेनिंग सेंटर में ज़रूर भेजिए। और इसका टोटल डिस्टेंस है पैजावा, यानी कि जो बस स्टैंड है जो यहाँ का बैरिया बस स्टैंड से, टोटल 3 किलोमीटर है और 6 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है इसका रेलवे स्टेशन से। तो गाइस, मैं चाहूँगा कि आप सब अपने ट्रेनिंग के लिए फोकस्ड होकर यहाँ पे आइए और ट्रेनिंग करिए और खूब सीख के जाइए। चलिए गाइस, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।